बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जी फैमिली व्लॉग्स। मैं हूँ ज़ीमल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से मैं और मेरी फैमिली सब खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ज़ीरा की बर्थडे का व्लॉग शेयर करूँगी। तो जी आप लोगों को मैं बता दूँ कि भाई की बर्थडे आती है जी 4 दिसंबर को, और सबसे पहले मैंने सोचा कि उन्हें जश्मों से शुरुआत की जाए। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह की भागने की स्पीड, तो भाई से पता आगे भागी जा रही है। तो माशाल्लाह से देखें जी, बीच बीच में जो है ना थोड़ा बहुत गिर भी रही है, लेकिन इसको माशाल्लाह से अच्छी तरह से चलना आ चुका है। तो जी अब आपके साथ जो है मैं बर्थडे का व्लॉग शेयर करूँगी कि यहाँ पे हम लोग रात के वक्त एक जगह पे बैठे हुए, मतलब पार्क, और हमने भाई की बर्थडे यहाँ पर कैसे की, लेट मी टेल यू। यहाँ पर हम पार्क में गए हुए थे, ये व्लॉग कहाँ गए थे और ये व्लॉग इंशाल्लाह आप लोग मैं ज़रूर शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो एक्चुअली टाइम हो रहा था जी भाई की बर्थडे का, मतलब ये हम लोग 6 दिसंबर को गए और रात मतलब 12 बजने ही वाले थे। तो भाई ने कहा कि एक मेरी बर्थडे है, आप लोगों ने मुझे विश नहीं करना, मतलब कि ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके थे। तो पापा ने जो है ना ऑर्डर कर लिया वहीं पर ही ऑन द स्पॉट केक। तो बस बेचारे केक के आते आते यही हालत हो गई। खैर केक तो माशाल्लाह सही सलामत है। उसके बाद हम लोगों ने जो यहाँ पे केक कटिंग की सेरेमनी स्टार्ट कर दी इसी पार्क में। लेकिन ये पार्क का व्लॉग मैं आपको जरूर शेयर करूँगी क्योंकि ये पार्क का व्लॉग है ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो भाई तो यहाँ पर बर्थडे जो है वो करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो पापा और ये हमारे प्लान ही अचानक से बन गया कि क्यों ना, मतलब हम इंजॉय कर रहे थे तो देख रहे थे, मतलब यहाँ पर इतनी की खूबसूरत ही डेकोरेशन थी ना, तो हम इंजॉय करने लग गए, इसमें हमें टाइम का पता ही नहीं लगा। उसके बाद जो है ना भाई ने ही याद करवा दिया कि मोस्ट 11:30 हो चुका है तो घर नहीं जाना, मेरी बर्थडे है। खैर एक मिनट के लिए मैं अपनी बात को स्टॉप करती हूँ, यहाँ पे आपको दुश्मन के दिखाती हूँ कितनी गई थी मुझे बनी है क्रीम से। अच्छा बात को कंटिन्यू करते हैं। तो पापा ने भी फिर टाइम देखा, पापा ने फटाफट से केक का ऑर्डर किया। उसके बाद जो केक है वो सर रस्ते में आता है तो उसकी ये हालत हो गई। उसके बाद पापा ने भाई को केक खिलाया, मामा ने भी कटिंग में जो है ना भाई से केक कट करवाया, और फिर बाद में मैंने भी भाई को जो है वो केक खिलाया। लेकिन भाई को केक खिलाने से पहले मैंने सबसे पहले भाई को केक दिया, एंड देन इसको मैंने अपने मुंह में डालने के बाद उसको दिया था, मतलब उसको लगा कि मुझे खिलाने लगी है, और मैंने जो है खुद ही केक खा लिया। देन फिर मैंने केक खुद ही मामा को खिला दिया और मैं दोबारा से खुद ही खाना स्टार्ट हो गई। अच्छा जी फिर मामा साथ बना कर लेकर गए थे बिरयानी, तो बिरयानी हम लोगों ने वहाँ पर जो है बैठ कर खाई थी। उसके बाद जो है शमल मामा की गोद में ही सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी चलते चलते फिरते फिरते। और यहाँ पे पापा और धीरज जो है यहाँ पे चाय पी रहे हैं, वो भी मामा घर से ही बनाकर लेकर गई थी थर्मस में। और यहाँ पर बैठ कर ये दोनों ये डिस्कशन कर रहे हैं जी पापा और धीरज के भाई को क्या गिफ्ट चाहिए, मतलब भाई पापा से कह रहे हैं प्लीज़ मुझे बता दें कि आप लोगों ने क्या सरप्राइजिंगली गिफ्ट मेरे लिए लेकर रखा हुआ है। लेकिन पापा कह रहे हैं कि मैं आपको भी नहीं बताऊँगा। तो बस यहाँ पर सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर दिया जाए बड़े सेलिब्रेशन का साथ। तो आज की भाई की कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ, मतलब पार्क की। ये भाई का तो बस नहीं चाहता कि वो ट्री के ऊपर ही जाके बैठ जाए। तो मुझे जा दीजिए अगली वीडियो तक, इंशाल्लाह पाक का कंप्लीट व्लॉग ज़रूर आएगा, आप लोगों को ज़रूर देखना है। तो जी अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू विश माय ब्रदर, अल्लाह हाफिज़।